शायद आपने भी सुने होंगे, प्याज आपके बाल को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। प्याज यानी ऑनियन हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, पर आप शायद जानते नहीं होंगे प्याज को करें तो कैसे इस्तेमाल करें हेयर के लिए। तो आज मैं आपके साथ ऐसा 4 टिप्स बताऊंगी जिनमें से कोई भी आप इस्तेमाल करते हो तो फ्रेंड्स आपके हेयर फिर से आ जाते हैं। जिनके बाल झड़ते झड़ते गंजापन आ गया है उनके लिए भी फ्रेंड्स प्याज बहुत अच्छा रहता है। ये आपके बाल को फिर से रिग्रोथ करता है, यानी जहाँ से भी बाल झड़ के गंजापन आ गया है वहाँ पे फिर से बाल को उगा देता है। ये बहुत ही असरदार होता है प्याज। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स ये जो टिप्स मैं बताऊंगी, जो भी टिप्स बताऊंगी इनमें से कोई भी आप कर लो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। यानी मैं इसे पैक बनाना सिखाऊंगी, जो पैक लगाना चाहते हो पैक लगा सकते हो, जो फ्रेंड्स पैक नहीं लगा के ऑयल लगाना चाहते हो ऑयल लगा सकते हो, और फ्रेंड्स जो ऑयल भी नहीं लगाना चाहते हो वो शैम्पू कर सकते हो, और फ्रेंड्स शैम्पू जो करना चाहते हो और उसके साथ ही साथ कोई वाटर बेस्ड चीज़ लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसे बना के स्टोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी को वेलकम करते हैं स्पेशल केयर वॉन्सर में, और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। तो फ्रेंड्स ऑनियन को आपको 4 प्रकार से यूज़ करना है, किसी भी एक को कर लो तो सभी के सब वो एक ही फायदा मिलेगा। तो इनमें से जो आपके लिए सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हो, या चारों के चारों आप यूज़ कर सकते हो तो और भी जल्दी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें। तो नेक्स्ट जब भी मैं एक वीडियो लाऊंगी उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो इसीलिए आपको बेल बटन को भी क्लिक करना है। और सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी आप हर वीडियो को एंजॉय कर पाओगे, देख पाओगे, उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको, वैसे कि मैंने बोला था आपको ऑनियन यूज़ करना है, तो ऑनियन को जैसे भी आप यूज़ करो चारों में ये आपको ऑनियन का जूस चाहिए। तो ऑनियन के जूस को पहले आप निकाल लो, उसको आप कद्दूकस करके उसका रस को निचोड़ के निकाल लो, और इस रस से ही सब कुछ बनेगा। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स आपको ऑनियन का शैम्पू, मैं बता देती हूँ कैसे आपको ऑनियन का शैम्पू बनाना है। तो फ्रेंड्स आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो उनमें थोड़ा सा ऑनियन का रस जो आपने निकाल के रखा है जूस उसे जोड़ लो, यानी आप 1 चम्मच आपके शैम्पू लेते हो तो फ्रेंड्स उसमें आपको ऑनियन का जूस कम से कम 4 चम्मच जोड़ना है, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर को शैम्पू कर लेना है। इससे भी फ्रेंड्स आपके हेयर जल्दी से ग्रोथ होते हैं। जब भी आप शैम्पू करते हैं हफ्ते में 3-4 बार तभी फ्रेंड्स शैम्पू में ऑनियन का जूस जरूर जोड़ लेना, तब फ्रेंड्स आपके हेयर जल्दी से ग्रोथ होंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ऑनियन का जूस को आप कैसे वाटर बेस में यूज़ करोगे। यानी फ्रेंड्स बहुत सारे चाहते हो मैं वाटर रहते हुए इसे यूज़ करना और उसके बाद शैम्पू कर लेना, ना ही ऑयल लगाना चाहते हो, ना ही पैक लगाना चाहते हो, ना ही शैम्पू में इसको धोना चाहते हो, तो वो क्या करोगे, वो फ्रेंड्स ऑनियन का जूस ले लो 1/2 कप, और 1/2 कप आपको लेना है आंवला का जूस, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंवला का जूस भी आपको ऑनियन का जूस जैसे आप निकाले हो वैसे ही निकाल लेना है, इसको कद्दूकस कर लेना है और उसको निचोड़ के ले लेना है, और दोनों को सेम रेशियो में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कोई भी कॉटन लेके उसमें डीप करके आपके बालों के जेल में इसे लगा लेना है। प्लस ये जो वाटर बेस है इसे आप रात में लगा सकते हो या नहाने से 1 घंटे में पहले लगा सकते हो। रात को सोने से पहले इसे लगा के सोते हो तो फ्रेंड्स ये बहुत टाइम तक आपके हेयर पे रहेगा, पर बहुत सारे ऐसे हैं रात को पानी अपने बालों में रखोगे तो ठंडा लग सकता है, सर्दी का शायद सर्दी जुकाम भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सूट नहीं करेगा तो वो लोग मत लगाओ, वो लोग नहाने से 1 घंटा पहले इसे लगा लो। ऐसा हर रोज करोगे तो फ्रेंड्स आपके बाल फिर से उगने लगेंगे, जहाँ के भी बाल आपके झड़ते झड़ते गंजापन आ गए वहाँ पर फिर से बाल आने लगेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको पैक बताऊँगी, पैक क्या कैसे आपको बनाना है। पैक बनाने के लिए है आपको लेना है काली पत्ता, काली पत्ता को ग्राइंडर में अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लें,
या फिर आप हेना पाउडर भी ले सकते हैं या काली पत्ता का अलग से पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप ले लो, 4 चम्मच आपको लेना है पाउडर या पेस्ट आपको लेना है और इसमें आपको जोड़ना है अनियन का जूस। बस यही है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद आप और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो फ्रेंड्स इसमें आप एक आंवला का जूस भी जोड़ सकते हो। इन तीनों को अच्छे से जोड़ के आप अपने स्कल्प में लगा लो और इसे लगा हुआ कम से कम 1 से 2 घंटा अपने बालों में रखो और बाल 1 से 2 घंटे बाद आप शैम्पू कर लो। ऐसा आप हफ्ते में 3 दिन करते हो, 3 से 4 दिन करते हो तो फ्रेंड्स आपके फिर से बाल आने लगेंगे, फिर से हेयर रीग्रोथ होने लगेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप कैसे इसको ऑयल के साथ यूज़ करो। तो फ्रेंड्स आप ऑनियन का ऑयल बना सकते हो। इसके लिए आपको लेना है कोकोनट ऑयल 100 ग्राम और कोकोनट ऑयल में आपको जोड़ना है ऑनियन का जूस। पहले एक बर्तन में कोकोनट ऑयल डाल के उसमें वो गर्म करो, चूल्हे में बैठा के थोड़ा हल्का गर्म होने दो और उसके बाद इसमें आपको डाल देना है ऑनियन का जूस। एक बात है फ्रेंड्स, आप इसमें ऑनियन का जूस के जगह आप ऑनियन को काट के उसका स्लाइस को भी जोड़ सकते हो और उसके बाद इस ऑयल को थोड़ा टाइम तक हल्का मीडियम फ्लेम में उबालो। 10 से 15 मिनट इस ऑयल को उबालना है ताकि फ्रेंड्स ऑनियन का जो भी बेनिफिट है वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद इसे छान के इस ऑयल को आपको ले लेना है। इस ऑयल को जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हर रोज फ्रेंड्स आप नहाने से 1 घंटा पहले या सोने जाने से पहले आप इसे लगा के बालों में अच्छे से मसाज करो। इससे भी फ्रेंड्स आपके हेयर बहुत जल्दी से ग्रोथ होते हैं, ये हेयर फॉल को भी रोक देता है और जल्दी से हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, न्यू ग्रोथ करता है जहाँ पर भी आपके गंजीपन आ गए वहाँ पे। इसके साथ एक बात आपको ध्यान पे रखना है दोस्तों, ये जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो इसका रिजल्ट तब का तब तो आता है पर दिखता नहीं है, यानी बाल तो आपके आ जाएंगे सिर पे पर वो जल्द तुरंत ही नहीं दिखेगा। आप जब खेती करते हो, जब कोई पौधा उगाते हो, वो जैसे धीरे धीरे आपके आंखों के सामने आता है, मिट्टी से जब उगता है तब नहीं दिखता है, पर जब बाहर मिट्टी के बाहर आ जाता है तब दिखता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही फ्रेंड्स आपके बाल भी जब सिर से बाहर आएगा दिखेगा उसके लिए कम से कम आपको 1 से 3 महीना वेट करना है। किसी को जल्दी भी रिजल्ट मिल सकता है, किसी को धीरे धीरे मिल सकता है, यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो बाल दिखेंगे कम से कम 1 से 3 महीना दिखने बाद ही दिखेंगे, उससे पहले आपको नहीं दिखेंगे, खाली आँखों में नहीं दिखेंगे। अभी किसी को ये 6 महीना भी लग सकता है क्योंकि फ्रेंड्स जिनके जितना जल्दी हेयर रीग्रोथ होगा वो उतना जल्दी दिखोगे। जो जैसे कि मैंने चारों आपको जो टिप्स बताया है ये चारों ही आप कर लिए तो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट जल्दी से मिलेंगे। यानी फ्रेंड्स आप शैम्पू भी करते हो ऑनियन से, आप पैक भी लगा लेते हो हफ्ते में 3 से 4 दिन, आप ऑयल मसाज करते हो हर रोज़ और वाटर बेस जो मैंने बोला है वो भी हर रोज़ लगाते हो, तो फ्रेंड्स एकदम 100% गारंटी है आपको 1 से 3 महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगी। किसी को 1 महीने में भी मिल सकता है, किसी को 3 महीने के बाद भी मिल सकता है, तो मैन टू मैन वेरी करेगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का टिप्स, आशा करती हूँ इसके लिए ये जो भी टिप्स है ये सभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एक लाइक करना जरूर, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए फिर इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी तो अच्छा सा ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।